गांधी परिवार को लगता है रायबरेली उनकी बपौती है, यही वो अमेठी को लेकर सोचते थे, लेकिन अमेठी की जनता ने जवाब दे दिया जिसके चलते राहुल गांधी भगौड़े बन गए और वो एक बार फिर भगौड़े घोषित होने वाले हैं, क्योंकि जब रायबरेली की जनता उन्होंने चुनेगी तो पूरा गांधी परिवार, सबसे आगे प्रियंका गांधी, यहाँ आना बंद कर देंगी। गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ का आदमी दिल्ली जाए, यहाँ का आदमी सशक्त बने। रायबरेली की जनता अब की बार एक निर्णायक नतीजा देने वाली है, जैसे अमेठी से अलविदा किया था वैसे ही रायबरेली से अलविदा कर। भाजपा की सीनियर लीडर राधिका खेड़ा इन दिनों रायबरेली में है। रायबरेली का जो प्रचार है वो कल थमेगा, लेकिन आज देखिए नेता जितने हैं वो सब ग्राउंड प्रचार में लगे हुए हैं रायबरेली के भीतर। राधिका जी, आप 2-3 दिन से रायबरेली में हैं, रायबरेली का क्या मूड है? प्रियंका गांधी तो कह रही है कि भाई यहाँ से जीतेगा, भाई को जिताकर भेजना है, 5 दशकों से परिवार की वहाँ पर राजनीति हो रही है। गांधी परिवार को लगता है रायबरेली उनकी बपौती है, यही वो अमेठी को लेकर सोचते थे, लेकिन अमेठी की जनता ने जवाब दे दिया जिसके चलते राहुल गांधी भगौड़े बन गए और वो एक बार फिर भगौड़े घोषित होने वाले हैं, क्योंकि जब रायबरेली की जनता उन्होंने चुनेगी तो पूरा गांधी परिवार, सबसे आगे प्रियंका गांधी, यहाँ आना बंद कर देंगी। उन्होंने इतने सालों से रायबरेली लगातार अपना प्रेम और स्नेह और अपना विश्वास गांधी परिवार में लेकर आता रहा, लेकिन रायबरेली की हालत देखिए, जो रायबरेली दिल्ली से भी आगे होना चाहिए था, क्योंकि लगातार गांधी परिवार यहाँ से लोकसभा जीतता आ रहा है, वो आज बहुत पीछे है। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ का आदमी दिल्ली जाए, यहाँ का आदमी सशक्त बने। वो हमेशा चाहते थे उनके पैरों पे उनकी गुलामी करते रहे, क्योंकि राजा महाराजा हैं तो समझते हैं कि देश की जनता आज भी उनके गुलाम है। और रायबरेली की जनता अब की बार एक निर्णायक नतीजा देने वाली है, जैसे अमेठी से अलविदा किया था वैसे ही रायबरेली से अलविदा कर। राहुल गांधी आज कह रहे थे कि मैं जब 12 साल का था तब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिए कि मैं अमेठी का नहीं हूँ, मैं अमेठी का था, हूँ और रहूँगा। पहले तो राहुल गांधी ये डिसाइड कर ले कि वो कहाँ के हैं, केरला के हैं, अमेठी के हैं, रायबरेली के हैं, और अगर वो अमेठी के हैं तो 5 साल से अमेठी मुड़कर क्यों नहीं आए? कोरोना के काल में कहाँ थे राहुल गांधी? अमेठी के लोगों के दुख और सुख में कहाँ थे राहुल गांधी? आज उनको बड़ा याद आ रहा है कि मैं अमेठी का हूँ, तो पहले तो वो ये तय कर ले। और क्यों रायबरेली की जनता उन पर विश्वास करे जब वो अमेठी को धोखा दे सकते हैं जो बिल्कुल बगल में है, तो वो रायबरेली को भी देंगे, वो केरल को भी धोखा देंगे, क्योंकि धोखा देना उनकी रग रग में बसता है। पूरा विपक्षी कुनबा साथ में उतरा है रायबरेली में, प्रचार प्रसार कर रहा है, महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहा है, असल में धरातल पर ये बात कितनी सच्ची है? क्योंकि मालीवाल के केस में कोई कांग्रेस का नेता आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के खिलाफ बोलता हुआ नजर आया। देखिए धरातल पे क्या स्थिति है महिलाओं की, समाजवादी पार्टी के सबसे शीर्ष नेता कहते हैं लड़के हैं गलती हो जाती है, आम आदमी पार्टी जो सत्ता में महिला सुरक्षा को लेकर आई वो आज उन्हीं के मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक राज्यसभा सांसद जो महिला है उसको पीट दिया जाता है। कांग्रेस की जीती जाती उदाहरण मैं हूँ, मेरे साथ जो बदसलूकी कांग्रेस के हेडक्वार्टर में हुई, प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी आज तक चुप है, उन्हीं की टीम के, हम उन्हीं के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हैं, लेकिन वो आज तक चुप है, कभी नहीं बोले। हमेशा आदमियों को बचाया जाता है, लड़कियों का कैरेक्टर असैसिन किया जाता है, वो लड़कियों के साथ खड़े ही नहीं हो सकते। महिला विरोधी बात करते हैं, महिला न्याय की, और सबसे ज़्यादा अन्याय अगर करते हैं तो कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी महिलाओं के साथ करते आए, और वो हम धरातल पर देखते आए, और देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता साफ साफ देख रही है। ये है भाजपा नेता राधिका खेड़ा, तमाम मुद्दों पर हर्ष चंदवानी, वीरेंद्र सितेश के साथ, रायबरेली से रिपब्लिक टीवी। गांधी परिवार को लगता है रायबरेली उनकी बपौती है, यही वो अमेठी को लेकर सोचते थे, लेकिन अमेठी की जनता ने जवाब दे दिया जिसके चलते राहुल गांधी भगौड़े बन गए और वो एक बार फिर भगौड़े घोषित होने वाले हैं, क्योंकि जब रायबरेली की जनता उन्होंने चुनेगी तो पूरा गांधी परिवार, सबसे आगे प्रियंका गांधी, यहाँ आना बंद कर देंगी। गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ का आदमी दिल्ली जाए, यहाँ का आदमी सशक्त बने। रायबरेली की जनता अब की बार एक निर्णायक नतीजा देने वाली है, जैसे अमेठी से अलविदा किया था वैसे ही रायबरेली से अलविदा कर।